टम सॉन्ग है ना, या तो नजर लग गई क्या? चलो गोली ले ली। तो गाइस ये देखो, मैं तो अभी इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ, खांसी में गले में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी। आराम कर ले अब चल। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में है। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं चाय बना रहा हूँ। गोलू की तबीयत खराब है, यानी कि बुखार है उसको। पायल और चीकू भी सो रहे हैं क्योंकि 7 बजे चीकू को स्कूल जाना है, इसलिए मैंने पायल को नहीं उठाया। तो सागर ने इसमें पानी डाल के रखा हुआ था, तो ज़्यादा गंदा नहीं था। ये गोली दे दी उसको, दी है क्या क्या था ऐसा उसने। तो फाइनली भैया पायल भी उठ गई है, पट्टी कर रही है सिर में गोलू में ना। पट्टी करने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। मैं उधर कावा निकालो, कावा डाल दो ना। नहीं, कावा पानी में बंद कर। अच्छा, कैसे हुआ? कोई तो सिम्टम्स होंगे ना, या तो तुम कल बाल कटवाने गए हो, गीले बाल हो, आगे घर में एसी में सोए हो, या फिर कुछ नहीं, घर से धो के गए थे बाल, तो वहाँ जाके थोड़ी धुलवाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, किस्मत का। 2 मिनट में चाय बन जाएगी, चाय देता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आज हमें जाना जलंधर भी पायल को लेकर हॉस्पिटल। क्या वजह से हुआ पायल, तुझे क्या लगता है? मुझे वजह तो नहीं पता चल रही, क्योंकि बिल्कुल कोई कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि ना के पंखे में सोए हो, ऐसे में सोए हो, पता नहीं कैसे हो गया। कोई थकान का काम भी नहीं गया, कभी कभी थकान से भी हो जाता है फीवर। हेयर कट करवा गए थे, नजर लग गई क्या? नहीं, मैं तो हेयर कट करवा के घर से बाल धो के सुखा के गई थी, वहाँ जाके नहीं धोए थे, है ना पायल? वो है कि बुखार चेक करने वाला है। नहीं, बुखार तो बहुत तेज है, है ना, ऐसे ही पता चल रहा है। तो गाइस अभी बज गए 7, हॉस्पिटल ले चलूं? हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं, मैं दवाई खाई है, दवाई खा के आराम मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता फिर ले चलना। नहीं, इसको ले जाओ, इसका बुखार वैसे भी उतरता नहीं है, एक बार चढ़ जाता है। चले वो चाय लेके, थोड़ा पट्टी के लिए आराम होगी तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ठीक है, एडमिट ही करा देना। लापरवाही तो हो जाती अगर मैं दवाई नहीं बोलता, तू तो ऐसे लेट ही रहती। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ठंड लग रही है। तो देखा करो ना, लापरवाही मत किया कर, अगर नहीं होती तो जब तक उठती रहती ना तो गोली लेती ना मुझे बोलती। चलो गोली ले ली, 1 घंटा वेट करती हूँ, सही होता है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के बोले चलो। तो गाइस आज हमें जलंधर भी जाना है, तो अभी 7 बज गए हैं, तो गोलू की बस थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, 1-1.5 घंटा आराम करूँगा, उसके बाद गाड़ी भी चलानी है, जलंधर आना जाना करना है। आज कैंसिल कर दो, कल चलते हैं। नहीं, जब बुलाया तो आज ही चलेंगे। कोई बात नहीं, तबीयत एक भी दवाई खाई है, 1 घंटे में ठीक हो जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ले ले चाय, ठंडी हो जाए, गोलू फटाफट पी। आप भी ले लो चाय। ले लूंगा। और सो जाओ थोड़ी देर ना। आप तो इसको ठीक होना ही पड़ेगा पायल, पूछ क्यों? क्योंकि आपने इतनी अच्छी चाय बनाई है। जबरदस्त चाय बनाई मैंने, बोलू। पर मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा है? क्यों टेस्ट नहीं आ रहा? बिना बिस्किट का ना, इसका टेस्ट नहीं आ रहा। यार ये तो मेरी मेहनत खराब कर रही है पायल। बाबू फेवर में जबान वो जाती है ना, टेस्टलेस हो जाती है। अच्छा, चाय तो अच्छी बनी है, मैंने पी ली। इतनी इसकी छुट्टी है जाना स्कूल? छुट्टी है भाभी इसकी, सोने तो इसको। बेटू स्कूल जाना चीकू, हैं? छुट्टी है इसकी। तो गाइस यहाँ पर चीकू को घुंघरा किया जा रहा है और इसको स्कूल जाना है, और पायल ने फुल कार्रवाई बिठा दिया स्कूल जाने की। हाँ भाई, तैयारी होगी? हाँ बिल्कुल, ड्रेस निकल गई। हाँ भाई, हीरो गहरी नींद में, तो इसकी छुट्टी करा दे। छुट्टी में चीकू? ओ चीकू गहरी नींद में। अच्छा पायल, गहरी नींद खोल दे बेटा एक बार। गहरी नींद। चीकू खड़ा हो जा फटाफट। जय बजरंग बली, खड़े कर दो इस बच्चे को। खुल गई नींद, खुल गई। ओहो नींद में बच्चा। अच्छा गिर ना जाए, देखो देखो। चीकू ड्रामे मत कर, खड़ा हो जा। नहीं सही है, उठ गया। पायल इतनी आलसी तू भी थी कभी स्कूल जाते हुए? मैं बिल्कुल आलसी नहीं थी, मैं तो टाइम से पहले खड़ी हो जाती थी, कभी कभी तो रात को कपड़े पहन के सो जाती थी। अच्छा कि स्कूल जाना, सुबह स्कूल जाना है। चीकू थोड़ा नक्शे कदम पे चल ले मम्मी के, खड़ा हो जा फटाफट, देख घंटी बज गई। मेरी मम्मी तो खांसी बुखार में भी मुझे छुट्टी नहीं करने देती थी स्कूल की। मैं स्कूल जाओ, जा आगे ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये देखो, ये वहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, इसका दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने। मैं उधर ढूंढ रही हूँ उसे। हाँ सो गया चीकू, चल
पांच दिन बाद स्कूल जा रहा है आज। मेरे पे डाउट हो गया नितिन की वजह से ना। हाँ। देख रही कहीं छुट्टी ना हो सच में। क्या हुआ पायल? हाँ। पुराने स्कूल की ऐप है। अच्छा चीकू आउट कैसे हो गया स्कूल से? मेरे को ना मैं वहाँ पे आया यू आर नॉट मतलब इन द ऐप। बच्चे को बाहर क्यों निकाला हमने, तो क्या गलती करी? देखो पुराना स्कूल है। और मैं जब भी देखती हूँ ना मैं यही वाला खोल लेती हूँ हर बारी। सिर में दर्द ठीक है बोलो? हाँ मेरे सर में दर्द ठीक है। बेटा खड़े हो जाओ, आपको स्कूल की परीक्षा है आज आपकी स्कूल की ना। बेटी खड़े हो जाओ, बेटी खड़े जाओ। चीकू खड़ा हो जा, दे ड्रामे मत कर, बहुत देर पहले देख तो लो छुट्टी तो नहीं है उसकी। नहीं छुट्टी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। जाना पड़ेगा क्या? मम्मा मुझे आप लेट करवाते थे स्कूल के, सर्दी नहीं करते। अच्छा कितनी देर से उठा रही हूँ मैं, जब मैं उठ कर ही नहीं रही, अब खुद रेडी हो जाए। कहना चाहते हो मैडम? पता नहीं गुड्डू थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, इतने दिन की छुट्टी थी ना। हुँ. तो लग रहा है आज भी छुट्टी है, नितिन भैया कह रहे हैं छुट्टी है छुट्टी। फिर क्यों उठाया मम्मा मुझे? आपने बोला था उठाने के लिए। मैम ने बोला कि 15 के बाद 16 का गवर्नमेंट ऑफ है आज। खुश है, शक्ल तो दिखा दे। वाव चलो काम करो अपना बेड पे, चलो कोलगेट करके सो जाओ, जाओ 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 फटाफट। सुना कर, क्या होगा कान खराब है? वाह बेटे नितिन, पूरा तू स्कूल नहीं जाता था ना, इन चीजों की पूरी खबर रखता था तुम्हें कि स्कूल जाए या ना जाए। देख खाबी हुई 3 दिन पहले इसने ब्लॉग में बोला है मेरी 5 दिन की छुट्टी और आज 5वां दिन है। ब्रश कर रहा है ब्रश। तो गाइस आपने देखा चीकू ने कैसे मुंह पे दरवाजा मारा मेरे, तो मैं पूरे 2-3 घंटे बात नहीं करूंगा इससे पहले, मैं सोने जा रहा हूँ ठीक है। गाइस गोलू की हालत बद से बदतर हो गई है, तो अभी इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ज्यादा तबीयत खराब है। ठंडा वगैरह तो नहीं पिया था? खांसी भी हो रही है। हाँ खांसी में, गले में दर्द हो रहा है मुझे बहुत यहाँ पे। टॉन्सिल्स की शिकायत लग रही है मुझे। रात में कभी, ये तो कभी भी हो जाता है गुड्डू। टॉन्सिल्स तो मेरे को नहीं हो गया था। मेकअप बहुत ज्यादा हो रहा पायल, सच में ज्यादा हो गया। हाँ ये काफी टाइम बात कर रही थी ना मैं मेकअप, और इस सुबह से किया हुआ मैंने। हो रहा ना गोलू? करते क्यों ये वैसे? तो यार अच्छा नहीं लगता ना ऐसे हमेशा। गर्दन तो तेरी ब्लैक दिख रही है, चेहरा वाइट है, क्यों बेटा ऐसा क्यों किया तूने? मैं भी ठीक कर लेती हूँ। तो फाइनली पहुंच गए भैया हॉस्पिटल में, पहले गोलू को दवाई दिलाते हैं और फिर दवाई दिला के घर छोड़ते हैं, फिर पायल के साथ जलंधर के लिए निकलता हूँ। तो अभी अभी गोलू को एडमिट करा दिया हमने, उसको फ्लूड वगैरह चढ़ेगी और मेरे को हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है जलंधर, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। और नितिन भैया को धीरज भैया को यहाँ पर छोड़ दिया है गोलू के पास, और अपडेट लेते रहेंगे फ़ोन पर। ठीक है गाइज मैं भी निकलता हूँ पायल के साथ, और नितिन संभाल रहा है यहाँ पर गोलू को। तो गाइज मैं भी घर आ गई हूँ और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। चीकू के पापा पायल हॉस्पिटल गए हुए हैं, नितिन भैया मेरे साथ में थे। डॉक्टर ने यही बताया कि मेरे को ना वायरल फीवर हो गया, तो वायरल फीवर की वजह से थ्रोट में यहाँ पे ना पूरा चोक हो गया, मतलब कि ना ये चीज़ इतनी दर्द कर रही है, अभी भी ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, और अभी भी मुझे हल्का हल्का फीवर हो रहा है। बस डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट करो और जितना हो सके चीकू से दूर रहो, क्योंकि वायरल फीवर है ना बच्चों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो बस दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, मैं अभी चाय पी रही हूँ, चाय पी के कुछ खा के दवाई खाती हूँ और मैं रेस्ट करूँगी। मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी कैनुला की वजह से, तो ब्लीडिंग जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था। डॉक्टर ने टेप लगाई, बोला 1 घंटे बाद आप इसको चेंज कर लेना। और डॉक्टर ने ना 5 दिन की दवाई दी है मुझे, 5 डेज की दवाई दी है, बोला 5 डेज खाओ और बिल्कुल रेस्ट पे रहो, बेड रेस्ट पे रहो, कुछ भी मत करो, क्योंकि वायरल फीवर की वजह से ना मेरी बॉडी में इतनी थकावट सी हो रही है, मतलब कि ना हर जगह दर्द हो रहा है, आँखों में, घुटनों में, कमर में, हर जगह दर्द हो रहा है। 2 बार मुझे PCM चढ़ा है पर फिर दोबारा फीवर हो गया, तो बस अब दवाई खा के रेस्ट करूंगी। तो गाइस सुबह के निकले हुए अभी घर पहुंचे और बहुत ज्यादा थक गए हैं, पायल भी थक गई है। आपको पता ही होगा डॉक्टर ने कोविड के सिम्टम्स बता दिए गोलू के अंदर, थोड़ा सा बेड रेस्ट करेगी। ये क्या हालत बना रखी है तूने, कहाँ था तू? मैं नीचे दौड़ रहा था। हाँ घूमी एक बारी, पूरा स्वेटिंग है यार, सुबह स्कूल भी जाना तेरे को? नहीं हाँ जाना, जाना है ना। हाँ जी। तो अपना फ्रेश हो और टाइम से सो, ठीक है? मैं फ्रेश हो रखूं। नहाना भी है बच्चा? घूम मत जाता, लेट जाए इसी नहीं चलाना। नहीं ऐसी नहीं चलाना, मैं दवाई खाई है ना वो बुखार की, मुझे घबराहट सी हो रही है बहुत ज्यादा। तो गेट खोल के बाहर थोड़ा सा हवा में खड़ी हो जाए, बाहर अच्छी हवा चले, बाहर घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, घबराहट हो रही है। तो गाइस बाहर का मौसम देख लो आप कैसा है, हैं बोलो कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पोर्ट वो किसी ने ड्रॉइंग नहीं करी होती, वैसा लग रहा है आसमान में। I wanna know all of you. Growing up
गोलू मैंने ना ये जाली लगा दी है, ठीक है, अब मच्छर नहीं आएंगे, हवा आ जाएगी अच्छी ताज़ा ताज़ा, ठीक है, आराम कर ले अब चल। हाँ मैं आराम कर रही हूँ। चीकू मम्मी के कमरे में नहीं आना, बाहर जाओ। डॉक्टर ने मना किया है कि चीकू को दूर रखना गोलू से, तो इसलिए मैंने चीकू को बाहर निकाल दिया। और थोड़ी देर ना कमरा ना बंद ही करके रख, एक हफ्ता ना क्वारंटीन करके रख अपने आपको। हाँ बोला है डॉक्टर ने कि एक हफ्ते की दवाई दी, एक हफ्ते बाद फिर से दिखाना है। और जो आज मेरा टेस्ट हुआ था ना उसमें रैपिड पॉजिटिव आया है, मतलब नाक से हुआ था, फिर उन्होंने गले से भी लिया और नाक से दोबारा भी लिया, तो उसकी रिपोर्ट कल दोपहर को 1 बजे आएगी। तो गाइज अभी बचे हैं रात के 8:30 और मैं निकल रहा हूँ जिम, क्योंकि बहुत दिन से मिस हो रहा है और मैं मिस नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। इस और लड़की को बोला है बेड रेस्ट कर ले, जूते देने बाहर आई है। तो गाइज आज का लोग यहीं समाप्त करते हैं, खाना भी नहीं खाने देते हमें, पता नहीं शायद रात भर जागना पड़े क्योंकि गोलू की तबीयत खराब है। अभी हॉस्पिटल होके आए हैं, उसे लेके गए थे, डॉक्टर ने बोला अगर लगता है रात में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ले आना, अभी फीवर उतर गया उसका। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।